आप देख रहे हैं शार्क मीडिया न्यूज, सबसे तेज सटीक खबर। स्थानीय तहसील प्रशासन के खिलाफ यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आइए हम जानते हैं शार्क मीडिया की विशेष बातचीत में कि आखिर इन लोगों के क्या मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ पे तमाम ऐसे लोग दिख रहे हैं जो विकलांग भी हैं। कहीं ना कहीं ये धरना उन पीड़ित लोगों की आवाज़ है जो कहीं ना कहीं तहसील प्रशासन से या जिला प्रशासन से निराश हुए लोग हैं। तो आइए हम जानते हैं क्या क्या किसकी समस्याएँ हैं और ये किस प्रकार का धरना था। ये धरना पूर्व घोषित कार्यक्रम के अंतर्गत था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में। ये मैं कम्युनिस्ट पार्टी का जिला मंत्री हूँ, फाजिलनगर से विधानसभा भी लड़ चुका हूँ पिछले चुनाव में। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि मेरी माँ किशोरिया देवी का परिवार रजिस्टर में उसके पिता के स्थान पर दूसरे के नाम दर्ज हो गया, यानी किशोरिया पुत्री सोबरन के स्थान पर किशोरिया पुत्री भुवाल हो गया, जिसको एक साल पूर्व वो 2018 में शपथ पत्र के साथ SDM साहब को उसने लिख करके पत्र दिया, शपथ दिया, जिस पर SDM साहब तत्कालीन आवश्यक निर्देश के साथ BDO फाजिलनगर को भेजे, BDO फाजिलनगर ADO पंचायत को लिखे, सेक्रेटरी को लिखे, गांव में बैठक हुआ, जांच पड़ताल हुआ, जांच पड़ताल करके रिपोर्ट आ गई, तहसील में आ गया, पुनः SDM साहब उस पर निर्देशन पत्र जारी कर दिए। उसके बाद उनके कार्यालय से 2-4 को चढ़ करके 3-4 को वहाँ नजारत में दर्ज है, वहाँ से जो वो पत्रावली को जो ब्लॉक में लेके जाते हैं वो पूरी पत्रावली ही गायब कर दी गई। और उस सवाल पर पुनः एक महीना ब्लॉक में और एक महीना तहसील में मैं चक्कर काटा। उसके बाद जब कोई रास्ता नहीं निकला, तमाम पत्र लिखने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो मजबूर होकर के बाध्य होकर के मेरी माँ सहित मैं तमाम पार्टी के लोग इस सवाल पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किए, जिस क्रम में एक सुमही का मामला। क्या मैसेज है आपका, ये जैसे इस धरना के प्रति जैसे सरकार को क्या मैसेज है, जिला प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, जिला प्रशासन को इस धरना के प्रति हम आगाह करना चाहते हैं कि तमाम सवालों पर जो पत्रक हम आपको दिए थे, सूचना दिए थे, नोटिस दिए थे, तमाम समाज के लोगों के अंदर, क्षेत्र की जनता में मैं नोटिस बांटा, प्रशासन को दिया, सारे अखबारों में छपा। किस प्रकार की समस्याएं हैं ये, जैसे जनता की समस्याएं थानों से है, थानों पर उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही है। जो पीड़ित हैं अपनी पीड़ा लेके जाते हैं, पटहरवा थाना हो, तुरपट्टी थाना हो, चाहे कसिया हो, शेवरही हो, तरिया हो, कुबेर स्थान हो, पड़रौना हो, उन पीड़ित लोगों को ही थाने में बंद कर दिया जा रहा है। इस समय योगी मोदी की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो गई है। ये संशोधन है, मैं प्रमाण के साथ बता रहा हूँ। इनका घर जहाँ बसता है सुमही गांव में, सुमही खुर्द में, उस गांव में 10-15 अल्पसंख्यक परिवार है, जहाँ आने जाने का मात्र एक रास्ता है, और भी वो पोखरे का भिट्टा है, उस भिट्टे के सहारे लोग आते जाते हैं। और सरकार की कई लाख रुपये लगा करके ग्राम प्रधान और ब्लॉक के द्वारा वो सुंदरीकरण किया गया, और उस रास्ते को गांव का एक दबंग किस्म का आदमी, जो गुंडा किस्म का आदमी है, तमाम योजना में बना करके और अपने आप को हिंदू युवा वाहिनी का नेता कहता है, वहाँ सांप्रदायिक रंग देने की नीयत से वो पूरे रास्ते को करीब 10-20 फीट तक काट दिया, तमाम लोगों को लेकर के इनके ऊपर हमला बोला। और जब उस पीड़ा से निजात पाने के लिए थाने में ये लोग गए, तो इनके खिलाफ पटहरवा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, फिर इनका मुकदमा दर्ज करने के लिए आप कोई ज्ञापन दे रहे हैं? नहीं, ज्ञापन तो दिया गया और सारे पत्र लगा करके उनको दिया गया, और SDM साहब आगे भी आपका ये आगे वो आश्वासन दिए कि तीसरे दिन आकर के हम लोग, हमसे आप लोग मिल लीजिएगा, और 3 दिन के अंदर मैं आश्वस्त करता हूँ कि कार्रवाई कर दूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं घोषणा किया हूँ मन से कि पुनः 4th दिन हम लोग यहीं धरने पर बैठेंगे। ये पीड़ित लड़की है, इसके माँ बाप नहीं है। क्या दिक्कत है आपको? हमारा सुस्ता है, रास्ता रुक लिया गया है जी। आपने यहाँ पे दरखास्त दी थी? हाँ, दिए हैं दरखास्त। क्या आश्वासन मिला आपको? नहीं मिला, यहाँ पे आप... खाना भी दुबई है और चुकी भी गया है, सब देखो पैसा दवा दे रहे हैं। तो आपको कोई प्रभावी कार्यवाही? नहीं, कोई नहीं करवाई हो रहा है हमको, बीमारी भी थी। क्या कोई और किसी का मामला है? आपका क्या मामला है? सर, हम थाने पे दरखास्त दे रहे हैं, थाने से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। किस थाने का मामला है? पटहरवा थाने का मामला है। पटहरवा थाने में हमको बंद करके पीटा भी गया, पैसा मांगा गया, जिसका रिकॉर्ड। किस कारण से पीटा गया सर? हमारे शॉर्टकट में बताओ सर, हमारे घर के बगल में पश्चिम और दक्षिण में गली है, 2014 में कब्जा एक साइड से कर लिया गया। SDM साहब आदेश किए कि रास्ता को तुरंत खुलवाया जाए, तत्काल। उस आदेश पर लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं पटहरवा थाने पर। और SDM साहब ने आदेश किया है? SDM साहब आदेश किए हैं कि अगर थाने पे प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है, किसी और की कोई शिकायत बताइए।
कि 19/7 को 27/5 को न्यायालय में दाखिल नाम खतौनी का नाम जो गलत हुआ और उसके बाद से 19/7 को 2019 को न्यायालय तहसील में आया। अब तहसील में पत्रावली गायब है। अब जाकर संख्या 5 से यहाँ कानगुज के मुंशी हालत साइन भी किया देखिए अब बोल रहे हैं पत्रावली गायब है। और मैं फिर से आपका सुना, मेरा नाम सरफराज है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे तमाम ऐसे पीड़ित हैं जिनकी तहसील प्रशासन से कोई ना कोई दिक्कत है और वो यहाँ पे न्याय के लिए आए हुए हैं। जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एक आम इंसान जैसे हैं और वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कार्य करते हैं, इसके बावजूद भी इन तमाम लोगों की समस्याएं हल ना हो पाना एक प्रश्न चिन्ह लगाता है तहसील प्रशासन पे, जिला प्रशासन पे, कि हमारा प्रशासनिक तंत्र कैसे कार्य कर रहा है। आइए हम जानते हैं, बताइए। और वो हमको मार दिए। फिर दूसरे दिन क्या चाहते हैं आप? मैं चाहते उसके बाद दूसरे दिन हमारी पत्नी को घर में घुस करके मार दी। मैं बहुत कहूँ की तबीयत खराब थी, 5,000 रुपया लेकर के जा रहे थे वहाँ, मारे भी और पैसा भी दे दिया। स्थानीय थाना प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।